जी सर, क्या बात हुई जिस तरह से आपकी बहन ने सुसाइड कर लिया, क्या बात? जैसे 7 महीने हो गए हैं उसकी मैरिज को जी। तो वो एक दो बार उसने पहले भी मुझे बताया कि यहाँ भी घर वाले जो है कि सास है या जिठानी है, वो मुझे टॉर्चर घर में कमेंटबाजी कर करके ये क्या बोलूँ, क्या कहना चाहेंगे? जो आज क्या बात हुई जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड करना पड़ा? सुसाइड का यही तरीका था कि उसने आई हुई थी इधर रहने के लिए, हस्बैंड की कोई बात नहीं, कोई उधर से फ़ोन नहीं आ रहा था। मैं 2-3 दिन देखे कि उसको फ़ोन शोन नहीं आ रहा, मैंने उससे पूछा कि हाँ भैया तो फोन पूछ लिया है, मैं तो कहती नहीं वैसे मेरा मन नहीं है उधर जाने का। तो वैसे मैं क्या कारण किया, कारण बता मन क्यों नहीं लग रहा है तेरा। मैं कह रही बस जो इसके साथ है ये कहते हैं इसके जो घर वाले हैं कि हाँ भैया उसने दवाइयाँ खा के थोड़ी मेंटल केयर है, तो वो थोड़ी मतलब ऐसी हरकतें करती हैं। तो उसने कोई काम करना उसको भी इसने मतलब करने नहीं देना। अगर ये कुछ शादी से पहले कोई ऐसा उसको मेंटल डिप्रेशन था क्या, दवाइयाँ खाती थी कोई? कौन? आपकी सिस्टर, जैसे आपके उनके ससुराल वालों ने बोला? नहीं नहीं, ससुराल वाले उन्होंने अपने अपनी वाइफ जो है जो इसकी मदर इन लॉ उसके लिए बोला है। जी जी, उसके लिए बोला है। इसके जो फादर इन लॉ था उसने बोला अपनी वाइफ के लिए जी कि मेरी जो वाइफ है वो खाती थी दवाइयाँ, तो उसको मेंटली थोड़ा यार फर्क है, तो इसलिए उसको इग्नोर कर। तो उसको यही समझाता चलो इग्नोर कर अगर कुछ है कुछ करती है। तो फिर जो उसके जेठानी के बच्चे हैं उसको लेकर आ जाती है कभी, मतलब जो फैमिली में बस इसको हरेसमेंट बड़ी हो रही थी। आज एक्चुअली क्या हुआ जब निकली थी वो घर से? आज एक्चुअली घर से निकली थी, मैं जा रही हूँ ससुराल जा रही हूँ, किसी नंद का फोन आया, उसके साथ बातचीत की, हाँ कि मैं अपने घर वालों को समझाऊंगी तो तू जा सुनिए आज जा, तो मैं उधर बात करती हूँ। जब यहाँ से गई है वो 3 बजे ठीक है, तो मैं अपनी ड्यूटी में था तो मुझे फोन आया 5 बजे इसके फादर इन लॉ का कि सोनिया कितने बजे निकली है। मैं क्या वो निकल गई 3 बजे 3:15 बजे 3:30 बजे निकल गई, कभी अभी तक नहीं पहुंची है। मैंने घर पे फ़ोन किया, घर पे मम्मा ने बोला कि हाँ वो निकल गई है जी 3:15 की निकली हुई है। अब वो वहाँ पे गई है, वहाँ से कोई बात हुई है, फिर कहीं नगरोटा गई, हमें बस यही पता लगा है कि अभी नगरोटा पे जाके, अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है कितने क्या है कि नगरोटा जाके मिली है। मैं मुझे जैसे पता लगा कि मैं जाने लगा थे, तो आगे से फोन आया कि हम भी इसको लेकर आ गए बख्शी नगर। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हो? क्या डिमांड? यही चाहता हूँ कि बस कार्रवाई जो है ठीक है ना, तो हमारी आत्मा बोलती है कि किसी को नुकसान पहुंचे ना, उसकी जो चली गई है वो भी नहीं चाहती किसी को नुकसान, लेकिन भाई ला लेकिन ऐसा ही मतलब होता रहेगा समाज में तो और इन लोगों को बढ़ावा मिलेगा। देखो होना चाहिए, इनको कोई राइट नहीं था कि जैसे मतलब जी कह रहे हैं कि एक मेंटल जो लेडीज है इनको क्या राइट था कि मेंटल अगर लेडीज है किसी बहू बेटी अपने घर पे ले आओ। अगर हमारे को पता था, आपको पता लगा कि जी मेंटल घर पे जा रही है, तो आप क्या भेजेंगे अपनी बेटी को? नहीं भेजेंगे, हम मेंटल में क्यों भेजेंगे? इंसाफ हो बस। मैं बिल्कुल समझ नहीं लग रही है, बस मुझे शांति से सिस्टर को लेने जाओ, बाकी इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है कोई हो गए कोई शास्त्री लोग, इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऊपर वाला तो है, देखा जाएगा।